हे गाइस, कितना जी, दिस इज एम एन वी. वेलकम बैक टू माय चैनल. अभी मैं रेडी हुआ हूँ नहा के एंड आई एम गोइंग टू जिम एंड ब्रेकफास्ट हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुकी है. सो पता ही आपको, टेंशन फ्री होकर जिम जा सकते हैं. ऑल्सो मैं कुछ दो तीन दिनों से रील्स डाल रहा हूँ थोड़े डिफरेंट काइंड की एंड सब बोल रहे एकदम कमेंट सेक्शन पे, आप एकदम से इतने फनी कैसे हो गए या फनी रील्स कैसे डाल रहे हो. गाइस, मैं फनी हूँ शुरू से, मैं जस्ट डालता नहीं था बिकॉज तब ये इतना ट्रेंड में नहीं चल रहा था आजकल. बट रील्स पे आपने देखा होगा सिर्फ यही रिलेटेबल कंटेंट चल रहा है. रोमांटिक तो मैं डालता ही हूँ, तो मैंने कहा ये भी थोड़ा अपना साइड दिखाई देता हूँ. सो ये ऐसी चीजें चल रही हैं रील्स पे, तो मैंने कहा क्यों नहीं. एंड आई होप यू आर लाइकिंग इट. आई विल मेक मोर. मैं आपको अपना थोड़ा ह्यूमर दिखा देता हूँ मेरा कैसा है. सो यस, एंड आज हम जाने वाले फाइनली बहुत महीनों के बाद मूवी देखने. सो आपको पता है कि 22 से मुंबई में शुरू हो रहा है, बट आज एक स्पेशल प्रीमियर है मूवी का जिसके लिए हमें इनविटेशन आई है सारे डैम फैम को. तो हम वहाँ जाने वाले हैं, मूवी देखने वाले हैं सब साथ में बैठ के बहुत महीनों के बाद. सो इट्स गोना बी सुपर फन. बट अभी के लिए आई एम गोना गो जिम एंड वर्कआउट करके आता हूँ फटफट, एंड देन वील गो टू पैलेडियम मॉल जाना है जहाँ पे स्क्रीनिंग है. सो यस, सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो. अरे गुगड़ी, सॉरी, सो जाओ. ऑल्सो आंटी अंकल भी चले जा चुके हैं, वो सुबह की फ्लाइट थी, वो सुबह मिलके वो जा चुके हैं, तो एकदम से घर खाली हो गया. बट कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है बहुत जल्दी, आपको पता लगेगा. तब तक के लिए ठीक है, चलो जिम चलते हैं. माय पूपड़ी, सो जाओ. माय गुड बॉय. अभी घर आया हूँ एंड मेरे पास 5 मिनट है, खाना खा रहा हूँ. ब्रॉनी मेरे साथ बैठा है एंड रोज मेरे को इतना टाइम मिल रहा है खाना खाने का. अभी निकलेंगे, काफ़ी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, पर चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी खाना खा के फिर निकलते हैं पैलेडियम मॉल के लिए. मूवी आएगी तुम्हारी आधी मिस होने वाली है. गैंग इज हियर फॉर द मूवी. रोड ट्रिप हुई है, काफ़ी ज़्यादा रोड ट्रिप हो चुकी है. बहुत दूर है, एक तो सब कुछ हमारे घर से, तो ऐसी आके हो चुकी है. सूजी आके लग रही है. सूजी नहीं नहीं, ग्राउंड फ्लोर है. ये नहीं है, सेकंड है. आ जाओ वापस. ठीक है जी, आपका ना मुझे लूज हो रहा था. मुझे इतनी बड़ी साइज चाहिए, मेरा बहुत छोटा है. सो गाइस, 1 घंटे की मूवी तो मिस हो चुकी है मोस्टली. मतलब 6:30 शुरू हो गई थी, 7:30 हो चुके हैं, 1 घंटे की तो गई. स्टोरी पता नहीं समझ आएगी कि नहीं, बट चलो यही इसकी प्रॉब्लम है. बस पॉपकॉर्न या मूवी की टेंशन हो रही है उसको, पॉपकॉर्न की. हमें कॉल करना पड़ेगा किसी को. कॉल करो. वाह यार, मैं हॉट होता जा रहा हूँ. सो गाइज, इंटरवल चल रहा है एंड बाकी सब गए हैं बाहर खाने. मैं स्लो बोल रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोग हैं, एंड बाकी सब गए हैं बाहर खाने. मैं इसलिए नहीं गया बिकॉज मैं बहुत थका हुआ हूँ, जिम से सीधा आके मैं तो लेट गया हूँ यहाँ पे, प्लस मेरे को कुछ खाना ही नहीं है, तो मैं क्यों ही जाऊँ बाहर. तो मैं यहीं वेट कर रहा हूँ सबका. ओके, मूवी स्टार्ट हो रही है दोबारा. आई विल सी यू गाइज आफ्टर द मूवी. तो गाइस, वी आर डन विद द मूवी एंड मूवी बहुत अच्छी थी. आई रियली लव्ड इट. मैंने तो पूरी देख ही थी बैठ के, थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला मिस हो गया बट स्टिल इट वाज गुड. काफी अच्छी एंडिंग में, मतलब मेरे को काफी अच्छी लगी. हाँ, उसी में आपको पॉपकॉर्न नहीं मिले इनको, बस थोड़ा एसेंशियल बट पॉपकॉर्न नहीं हो पाए आपके. चलो कोई बात नहीं, बाहर जाके स्टारबक्स तो खाए हैं आप, तो इसमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं थी. नाउ गो गेट योर फ्राइज एंड देन वी आर गोइंग होम. थोड़ा घर जाने का हमारा प्लान चेंज हो गया है एंड हम यहाँ पे बॉलिंग एंड पार्टी करने आ गए हैं, तो इसके बाद आपको घर पे मिलता हूँ सीधा, बिकॉज यहाँ पे कॉपीराइट लग जाएगा. Hangover night continue part. What are you doing?
आज हमारे घर में कॉल आया, स्काई आई है। ये नहीं है बेबी आपकी फोन, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वो खाना आपको इधर आओ आप। नो बेबी ये नहीं आपकी, कंफ्यूज हो गई थोड़ी ब्रॉनी की फोन में, ब्रॉनी को हमने अंदर रखा हुआ, थोड़ा एग्रेसिव हो गया था वो। ओरी बेबी ओरी आपकी बोल, यस यस कम 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 कम। थोड़ा ब्रॉनी से मिलवाने की कोशिश की, ब्रॉनी थोड़ा घर के कारण उसको बोला कि ये कौन है मेरे घर पे, तो थोड़ा गुस्सा हो गया। बट द बर्थडे बॉय इज हियर, अरे 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 बर्थडे बॉय व्लॉग में। आप गए थे थाईलैंड से, कैसा हो जाता है? हां क्या होता, ऑकवर्ड होता है, ऑकवर्ड हो जाता है। फॉलोअर बर्थडे मेरे 5। थोड़ा फैन बंद करेगा गाइस, 3 का हम बर्थडे जो हमें लगा था आज है, वो जो कल था संडे को भी था, संडे को भी था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डे, हैप्पी बर्थडे। वहीं से गाना शुरू कर दी, चलता चलता है गाना शुरू कर दी। हाँ कुछ इधर आ, क्या कर पाया ये, इधर हो पबजी का करेक्टर बन गया है कुछ नहीं, एक है गंजा जो वैसे किसी पागलियाँ खाओ। हैप्पी बर्थडे, चलो बस अरे वाव सही है सही है, उधर भी नाउ लेट्स फेस दिस। ये सबको वो करवा दी रहती है सब टेस्ट। कुछ तो यहाँ क्या नाम है इसका, उन्नति 24 लेयर केक, 24 लेयर केक गिननी पड़ेगी यहाँ पे। दो चम्मच मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको टीके के मर्च का बताऊंगा कि उस बॉक्स में क्या क्या है, तो यस मेरे को सुबह तो टाइम मिला नहीं बिकॉज थोड़ा भागना पड़ा था इधर उधर, बट अभी मैं फ्री हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स खोल के कि सीक्रेट बॉक्स में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्राउड है इसी चीज़ का कि टीके सब कुछ कर रहा है, टीके का खुद का मर्च, पॉज प्ले एंड दास्तां, पूरी दास्तां एल्बम का अलग से मर्च बाय तंजील खान। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो पूरी ट्रैक लिस्ट एल्बम की, ये दिल ख्वाहिश सोचा नहीं था, फलसफा मंजिल एंड दास्तां, एंड कैसी है ये दास्तां। सो ये पूरी ट्रैक लिस्ट एंड ये पूरी कस्टमाइज्ड है सबके लिए अलग अलग, तो जो डायरी है यहाँ पे उस पे वाओ नाम लिखा गया है मिस्टर एमएनवी। मेरे को डायरीज बहुत पसंद है, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ मैं डायरीज कलेक्ट भी करता हूँ, तो ये तो डेफिनेटली मेरी टॉप लिस्ट में होने वाली है दास्तां मिस्टर एमएनवी। देन वी हैव कुकीज, बहुत ही टेस्टी लग रही है, खा नहीं सकता मैं, बट पर्पल कलर की, पर्पल तो पूरा टीके का कलर है तो ये सारा सब पर्पल में किया है, एंड मर्च का भी मोस्टली पर्पल ही रहेगा, लोगो भी पर्पल है तो टीके का फेवरेट कलर पर्पल है, दैट्स व्हाई पर्पल। सो ये कुकीज हैं, पॉज प्ले एंड दिस इज द कैसेट, ये मेरे को बहुत प्यारा लगा कॉन्सेप्ट। सो ये कैसेट के अंदर बार कोड लगा हुआ है जिसको आप स्कैन करोगे तो गाना आएगा, सो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कॉन्सेप्ट, पूरा पुराने बचपन की याद आ गई जैसा बचपन में होता था, पूरी कैसेट टाइप्स, सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट। उसके बाद है ये पेन का केस जिसमें पेन है ऑफ कोर्स, एंड वो भी कस्टमाइज है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है मिस्टर एमएनवी क्रेजी। पेन और डायरीज मेरे को बहुत पसंद है गाइस, तो ये तो डेफिनेटली मेरी कलेक्शन में जाने वाली है। प्लस उसके बाद वाइट टी शर्ट पॉज प्ले, आई गेस इस पे भी शायद होगी ब्रांडिंग, वेट यस इस पे पूरा गाना लिखे हुए हैं सब, ये दिल फलसफा सारे गाने इस पे लिखे हुए हैं, सो ये तो मैं बहुत डालने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। एंड माय फेवरेट दिस इज अ स्वेट शर्ट ब्लैक कलर में, माय फेवरेट कलर, ब्रांडिंग पॉज प्ले एंड इसके पीछे लिखा हुआ है दास्तां, तो ये तो मैं कल ही डालूंगा पक्का, ये तो मेरी फेवरेट है। एंड ये है टीके का बॉक्स, आप भी ये पूरा बॉक्स आई गेस उसकी साइड पे पूरा बॉक्स है तो आप भी सब कुछ ये शॉप कर सकते हो। ये टीज एंड ये ब्लैक हुडी तो सोल्ड आउट हो चुकी है, दोबारा आएगी तो प्लीज
आप भी लोग अगर आपने नहीं लिए अभी तक एंड दिस इज क्रेजी. थैंक यू सो मच टीके फॉर दिस. आई लव यू एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आई टोटली लव दिस. तो गाइस दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. कुछ इतना डिसाइडेड नहीं था बट इतना कुछ हो गया. आज मूवी देखी हमने कितने महीनों के बाद. उसके बाद बॉलिंग के लिए गए एंड फिर खाना खाया. मतलब काफी कुछ हो गया. जिम भी जाया था. सो यस फन डे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट डू लाइक इट. इफ यू लाइक इट डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको पता लग जाए कि ब्लॉग कब पोस्ट हो गया. एंड यस दैट्स इट फॉर नाउ. आई विल सी यू गाइस टुमारो. गुड नाइट.